मुंबई के दहिसर से बड़ी घटना। 18 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, ससुराल वालों पर FIR दर्ज। मुंबई से सटे मीरा रोड में सिलेंडर फटने की वजह से लगी भयंकर आग, फिलहाल किसी भी तरह की जनहानि नहीं। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क में गुजराती नेम प्लेट लगाने पर BMC ने पोइसर जिम खाना को नोटिस जारी किया। वहीं आप सभी को बता दें, मुंबई में BMC बारिश से पहले 1 लाख से अधिक पेड़ों की छटाई करेगी। वहीं आप सभी को बता दें, मुंबई में भीषण गर्मी के बीच बढ़े हीट स्ट्रोक के मामले। मुंबई की झीलों में 30% से भी कम बचा है पानी। वहीं मुंबई में खिचड़ी स्कैम में ED ने उद्धव गुट के कैंडिडेट को भेजा सम्मन। नॉर्थ वेस्ट मुंबई से उम्मीदवार है अमोल कीर्तिकर। वहीं आप सभी को बता दें, मुंबई में 20 मई को लोकसभा चुनाव है। कर्मचारियों को भर पगार छुट्टी या 2 घंटे का अवकाश नहीं देने पर मुंबई के कार्यालयों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मुंबई में एक और शर्मनाक घटना। पीड़िता ने बताया अपना दर्द। मुंबई समेत कई होटलों में की हैवानियत, दिया था एल्बम में काम करने का लालच। वहीं नवी मुंबई में फिर ठगी का मामला। शेयरों की खरीद फरोख्त में निवेश के नाम पर व्यक्ति से 4.9 लाख रुपए की ठगी। वहीं मुंबई में संजय राउत खिचड़ी घोटाले के किंग पिन। संजय निरुपम बोले, मेरे पास सबूत है, ईडी गिरफ्तार करे तो पेश करूं सबूत। अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी राहत। मुझे भैया मत कहना, कॉल मी ब्रदर, रिक्शे वाले ने ऑटो में लगाया ऐसा नोटिस की हो रहा है वायरल, आप देख सकते हैं। वहीं 20 मई को मुंबई में लोकसभा चुनाव है, इसीलिए बंद रहेगा शेयर बाजार। वहीं आप सभी को बता दें, पश्चिम रेलवे ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान 173 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला बिना टिकट वालों से। तो आप सभी लोग टिकट लेके चलें। आप इतने समय तक चुप क्यों रहे? संजय निरुपम के आरोपों पर उद्धव गट के नेता ने कहा, जेल में डाल दो, हम जमानत पर बाहर आ जाएंगे। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, कॉमेडियन कुणाल कामरा की पुलिस में हुई शिकायत। वहीं मुंबई में BMC ने इलीगल निर्माण पर कुर्ला में चलाया बुलडोजर। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। मुंबई महास की सभी ताज़ा खबरें से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबाना। थैंक यू।